दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लान की जो आप फ्रंट पर देख रहे होंगे, और इसकी साइज़ की बात करें तो 20x25 फिट है। मतलब 20 फिट इसकी चौड़ाई है, और लंबाई की बात करें तो 25 फिट है। तो बेहद ही छोटा घर है दोस्तों, 3 साइड क्लोज है। आप इस मकान को देख पा रहे होंगे, इस पर मैंने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर में कुछ चीज़ें डिजाइन की हैं। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उससे पहले आपसे गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल हिल स्मॉल हाउस प्लान पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ स्मॉल हाउस प्लान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं, जो आप देख कर बहुत आसानी से अपने घर का डिज़ाइन समझ सकते हैं और उसे बनवा सकते हैं। तो अगर आपका प्लॉट है 20x25 फिट का, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा डिज़ाइन मैंने दिया है। तो चलो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। उससे पहले मैं इसको ट्रांसपेरेंट आपको करके दिखा देता हूं, जैसा कि हमेशा किसी भी मॉडल को ट्रांसपेरेंट करता हूं। तो जैसे ट्रांसपेरेंट करते दीवारें हाइड हो जाती हैं, और ये देखिएगा पूरा मॉडल आपका फ्रंट से, अगर बैक की बात करें, साइड की बात करें या टॉप की बात करें, आप देख पाते हैं। तो इसी मॉडल को अब हम ट्रांसपेरेंसीज को हम कर देते हैं रिमूव, ले चलते हैं इसके ओरिजिनल पोजीशन पर, और इसको ले चलते हैं सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर पर। तो आप ये देख कर पा रहे हैं, फ्रंट की बात करें तो ये ग्राउंड फ्लोर का ये एक पोर्शन है, ये जो है दोस्तों डिजाइनिंग के पार्ट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो मेन डोर इसका जो है ये है, और एक विंडो बड़ा सा दिया है, और यहाँ पर भी ग्लासेस दिए हैं डिजाइनिंग का। तो जैसे मेन डोर से आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है, ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, मेन डोर से जैसे आप एंट्री करते हैं तो ये आपको मिल जाती है स्टेयर्स, ये देखिए स्टेयर्स, और उसके यहाँ अंदर से स्टेयर्स चढ़ी होंगी, फिर अंदर को ही मुड़ जाती है, और यहाँ पर एंट्री करेंगे आप तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाता है। और उसके बाद आपको यहीं पर फ्रंट में एक गेस्ट रूम आपका मिल जाता है, ये देखिएगा ये आपका गेस्ट रूम है पूरा ये। और इसके बाद जैसे आप अंदर आते हैं तो फिर आपको मिलता है दोस्तों, जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर डिज़ाइन किया, उनको क्या था, ग्राउंड फ्लोर पर 2 लेटरिन और बाथरूम चाहिए थे, तो मैंने उनके कहने पर ही एक ये लेटरिन बाथरूम है और एक ये है, ये दोनों डिज़ाइन किए हैं। और पीछे भी एक बेडरूम दिया है, और वहाँ पर साइड में मैंने एक किचन दे दिया है, क्योंकि ओवरऑल ये 20 फिट है तो 20 फिट बहुत चढ़ा रूम हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर उसी में एक किचन दे दिया। हालांकि इस किचन का गेट जो है दोस्तों आपको रूम से होकर ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपको किचन में एंट्री करनी है तो आपको रूम के माध्यम से यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी। और पीछे एक आपका रूम मिल जाता है, इसके लिए आपका देखिए प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, और इसका फ्रंट का डोर ये है, और ये गेस्ट रूम जो है आप इसमें डोर अगर चाहें तो, मैंने फ़िलहाल ये डोर जो दिया है अंदर से ही दिया है यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर सामने फ्रंट में एक विंडो दे दी है वेंटिलेशन के लिए। अब इसको अगर हम ले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, तो ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पर दोस्तों वही है, बस यहाँ पर डिजाइनिंग मैंने चेंज कर दी है। हालाँकि जो ये वाला रूम था उसका कुछ यहाँ पर लुक अलग कर दिया है, और यहाँ पर मैंने ये बाउंड्री निकाल दी है, बालकनी देखिएगा 2.5 फिट का अप्रॉक्स है जो आप देख पा रहे होंगे, बालकनी और गेट है, इस बालकनी में आप आ सकते हैं इस गेट के माध्यम से, और सारी चीज़ें वही सेम टू सेम है। अगर आप चाहें ऊपर एक लेटरिन बाथरूम करना तो एक कर सकते हैं, अन्यथा जो जैसा डिज़ाइन नीचे था वैसा ही यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये फ्रंट की बात करें, अगर टॉप की बात करें तो टॉप व्यू ये है, ये दोस्तों स्टेयर्स को ढकने के लिए मैंने ऊपर बनाया है, और ये रेलिंग वही बनेगी। तो ये पूरा आपका डिज़ाइन बन जाता है 20x25 फिट में, विथ 2 बेडरूम 2 लेटरिन बाथरूम और आपका एक किचन बनता है। तो ये मॉडल कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आते हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर किया करें। अगर आपका कोई भी रिकमेंडेड मॉडल है आप चाहते हैं हमें तो कमेंट करें, हम आपका मॉडल डिज़ाइन करेंगे। हालाँकि हम सभी के मॉडल डिज़ाइन नहीं कर पाते, लेकिन किसी न किसी का मॉडल मैं ज़रूर डिज़ाइन करता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर